अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 5 नंबर समरी। यह हम 5 नंबर समरी में हैं कि कौन कौन सी चीज़ें निकालनी होती है। समरी इज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमने पहले निकालना है कौन सा हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू में LST स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी तो सबसे छोटी वैल्यू है वह कौन सी है, 13 है। आगे कोई और नंबर तो नहीं? नहीं। तो हमारी सबसे वैल्यू कम जो है वो है 13। ये 13 आ गया। उसके बाद हमने क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल फर्स्ट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं कि उसकी पोजीशन कौन सी बनती है, नंबर कौन सा बनता है इसका। तो Q1 पोजीशन, PUSISITION पोजीशन। पोजीशन कैसे निकालते हैं, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल, तो जितने नंबर हैं उनमें 1 प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। तो 10 नंबर में आपने क्या करना है, 1 प्लस कर देना, 11 हो जाएगा। तो तकसीम 4 पे करना है, 4 पे। तो ये हमारे पास 2.75 आ गया। तो अब हम इसकी मदद से Q1 क्वार्टाइल, यानी Q1 क्वार्टाइल हम इसकी मदद से निकालते हैं। तो क्या फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू साइन। तो अब 2 पोजीशन है, 2 में ये वैल्यू है 2 एक्सक्यूज मी, तो प्लस ये जो पॉइंट के बाद है हमारे पास 0.75, तो मल्टीप्लाई इन टू में क्या करना है, उससे नेक्स्ट नंबर माइनस पोजीशन वाला नंबर, माइनस ये पोजीशन वाला नंबर। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल निकल आ जाएगा। ये देख, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल निकल गया। तो अब यहाँ पे मीडियन लिखना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल साइन ME, ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये जो नीली पट्टी नज़र आ रही है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं जितने नंबर हैं, तो ये हमारे पास इंटर प्लस प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ये मीडियन निकल आएगा। अब इसी तरह ये क्यू थर्ड की है, ये थर्ड क्वार्टाइल, तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले पोजीशन निकालनी है, Q3 पोजीशन, POSITION, ये पोजीशन निकालनी है। पोजीशन कैसे निकालनी है, तो यहाँ पे 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं बना। यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वल साइन 3, क्योंकि थर्ड निकाल रहे हैं, थर्ड पोजीशन निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इनटू हमारे पास 11 तकसीम 4 पे करना है। तो ये हमारे पास 8वीं पोजीशन वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। तो ये हमने मालूम किया है। तो ऐसे थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं, Q3 QUARTIL क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, तो ये हमारे पास पोजीशन जो है 8वें नंबर वाली है, 8वां नंबर ये है, तो प्लस जो है वो पॉइंट ये जो आ जाएगा 8 पॉइंट के बाद वाला पॉइंट 25, ये आ जाएगा 25।
तो अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट नंबर माइनस पोजीशन नंबर। तो ब्रैकेट बंद करें, इंटर प्रेस करें, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा थर्ड क्वार्टाइल। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे कितनी है जी, ये है 23.1। ये अब हमारे पास ये फाइल समरी निकल आई। तो नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, इनमें से हमने मिड रेंज निकालनी है। वो फाइल समरी से हटके है, मिड रेंज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मिड रेंज, अच्छा जी, मिड रेंज में क्या है जी, मिनिमम नंबर प्लस मैक्सिमम नंबर। तो एक इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल एन टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम एन टू ओवर टू। ये हमारे पास मिड रेंज निकल आई। ये देख लें, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये पोजीशन फॉर्मेट, पोजीशन का मतलब ये होता है कि इसका जितना फॉन्ट है इसका भी इतना ही फॉन्ट फॉन्ट आ जाएगा। ये देख लें, तो ये देखें, ये फार्मूला हमने लगाया है मिड रेंज। तो इसमें अब क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन भी है। ये चीज़ें हमने निकाली होगा, ये मिड रेंज आ गई। तो ये मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये हमने एक्सेल में निकाला है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 13 आ गया, फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा ये आ गया 14.8। ये हमारा मीडियन आ गया 15.3। थर्ड क्वार्टाइल हमारा ये आ गया का 16.4। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 23.1। तो उसके बाद मिड रेंज है, तो ये मिड रेंज आ गई है 18.। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा मिड रेंज। तो क्वार्टाइल डेविएशन भी है इसमें, वो देखते हैं वो किधर आता है। यहाँ पे ऊपर ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल क्या है ये, क्वार्टाइल डेविएशन में थर्ड में से आपने वन को निकालना है और दो पे तकसीम करना है। तो इसी में से चलो मैक्सिमम कर लेते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, हम ये फार्मूला लगाते हैं कि हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल ये है माइनस वन क्वार्टाइल ये है। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे, फिर वो ऑप्शन दे देता है। ये देख लें, तो यहाँ पे ब्रैकेट और ये तकसीम हमने दो पे किया, तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 3-1। तो ये देख लें क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा,
इस में से निकाल रहा है हमने कौन सा डाटा है, और सेम डाटा है तो वो आंसर सही आएगा। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन ये डाटा और है 14, 10, हमारे पास जो डाटा है वो और है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसमें हमने कौन कौन से कवर की है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो ये देख लें, ये फार्मूला है, ये 11 जो है वो हमने क्या करना है कि सारी रकम जितने भी अदद हैं उनको काउंट करना है, उनमें से प्लस वन करना है। हमारे पास जो अदद हैं वो हैं 10, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 1 प्लस कर दिया ओवर क्या किया है 4। तो ये इसमें से हमें पोजीशन मिल गई कि कौन सी पोजीशन है, तो नंबर 2 वाली पोजीशन है, ये 2 जो है ये इस पोजीशन को जाहिर करता है। तो क्वार्टाइल में क्या करना है, तो ये फार्मूला देख लें, इसमें क्या किया है हमने, ये हमारी जो पोजीशन है प्लस ये 0.75 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर माइनस पोजीशन नंबर, तो उसके बाद मीडियन वाला फार्मूला लगाया है। तो ये देखें फार्मूला मीडियन निकल आया, तो उसके बाद थर्ड पोजीशन का वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 नहीं किया था, उसके उसको कैसे किया था, 1 मल्टीप्लाई किया था, 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये था हमारा थर्ड पोजीशन, तो ये थर्ड क्वार्टाइल है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है ना ये सवाल पेपर में एक्सेल में करें तो वो आसानी से, एक तो वक्त बच जाएगा, दूसरा गलती के चांस कम होते हैं। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है वो है ये। मिड रेंज कैसे निकालते हैं, यानी लार्जेस्ट वैल्यू प्लस ये मिनिमम वैल्यू ओवर 2, ये फार्मूला देखिए। तो उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला ये है, थर्ड में से 1 माइनस और माइनस करके दोनों को 2 पे तकसीम कर देना, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने थोड़ा सा ग्राफ देखना है, ग्राफ तो यहीं पे इसका जो है वो बना हुआ है, ये चीज़ है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये आगे इसको ऐसे एक्सेल में देख लें, शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ये शेप होंगी, शेप एंड बॉक्स एंड विशर प्लॉट्स, ये मीडियन है, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, लेफ्ट स्क्यूड, सिमेट्रिक, राइट स्क्यूड, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।